वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 16 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है पुर्तगाली सिक्कों के बारे में। अभी गोवा में पुर्तगाली सिक्के प्राप्त हुए हैं तो तभी ये आर्टिकल चर्चा में है। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में उत्तरी गोवा के नानोदा बंबर गाँव में एक किसान को मिट्टी में दबे एक बर्तन में 832 सिक्के मिले हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास गोवा में ढाला गया था। यह पुर्तगाली शासन के अधीन था, मतलब गोवा 1961 में ये आज़ाद हुआ तब तक ये पुर्तगाली शासन में के अधीन था। तो देख लेते हैं पुर्तगाली सिक्कों के बारे में। तो ये पुर्तगाली लोगों ने गोवा से सोने, तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्कों को क्रूजाडो या मैनुअल कहा जाता था और इन्हें पैगोडा या ऑनर्स के समान आकार, मूल्य और वजन में जारी किया जाता था। एक अन्य प्रकार के सोने के सिक्के मियो मैनुअल और चांदी में मिया एस्पेरा और एस्पेरा भी कहा जारी किए गए हैं। सिक्के सोने के मैनुअल और चांदी के एस्पेरा के अग्रभाग पर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट और सिक्के के पीछे की ओर शस्त्रागार क्षेत्र राजा डी मैनुअल का उपकरण पाया गया है। मतलब उनके इन सिक्कों के आधे टुकड़े पर MEA शब्द लिखा हुआ था, जिसके ऊपर सिक्के के एक तरफ एक मुकुट था और सिक्के के दूसरी तरफ शस्त्रागार को का गोला था। गोवा के गवर्नर ने 1519 में इन सिक्कों को जारी होने को निलंबित कर दिया था। इसके बाद 1549 में सोने और चांदी के सिक्के दोबारा शुरू किए गए थे। इस अवधि के दौरान पुर्तगालियों ने प्रेरित सेंट थॉमस को भारत के लिए अपने संरक्षक संत के रूप में अपनाया था। तभी से यह निर्णय लिया गया था कि उनके भारतीय सिक्कों पर सेंट थॉमस का जो पुतला या फोटो उनका उकेरा जाएगा और सिक्कों के सेंट थॉमस का उनका नाम दिया जाएगा। सोने और चांदी के सिक्कों पर सेंट थॉमस की बैठी हुई जो या ये खड़ी हुई आकृति थी, इसमें सिक्के के एक तरफ एस और टी अक्षर थे। सिक्के के दूसरी तरफ पुर्तगाल के राजा की शुरुआती अक्षरों के साथ ताज पहनाया हुआ हाथ था। इसमें कभी कभी सिक्कों पर छोटे शिलालेख भी पाए जाते थे। पुर्तगालियों के सोने के सिक्के 20, 10, 5 और 2 जेराफन के मूल्य के होते थे। तांबा बुजारू कोष जारी करने के लिए 1611 में बेसिन और दमन में 2 टकसाल खोले गए। बाद में इन टकसालों से टूटे नांग सिक्के जारी किए गए थे। तांबे के बुजारू कोष में सिक्के के एक तरफ हथियारों का कोट और सिक्के के दूसरी तरफ तीरों का एक पूल होता था। हमारा अगला आर्टिकल है अभी शहरों के लिए AAINA डैशबोर्ड जारी किया गया है इसके बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने द्वारा AAINA डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। तो अभी तब इसके बारे में जानते हैं, चर्चा में है शहरों के लिए AAINA डैशबोर्ड के बारे में। तो ये समान रूप से स्थित शहरी स्थानीय निकायों की तुलना करने और ULB के बीच सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। ये डैशबोर्ड संभावनाओं और सुधार के क्षेत्रों को इंगित करके UL को प्रेरित करेगा और उन्हें सीखने और अग्रणी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स का एक मजबूत डेटाबेस बनाना है, जिसे सभी हितधारकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। बाद में इसके आबाद होने पर ये सार्वजनिक दृश्य के लिए खुल जाएगा। देश भर में शहरी स्थानीय निकाय पोर्टल पर एक सरल भरने में आसान डेटा प्रविष्टि फॉर्म के माध्यम से नियमित आधार पर स्वेच्छा से अपना प्रमुख डेटा जमा करने की इस अग्रणी पहल में भाग ले सकते हैं। AAINA डैशबोर्ड का उद्देश्य मदद करना है। इसमें अन्य शहरों की तुलना में उनका प्रदर्शन कैसा है, इसके लिए मदद करेंगे। ये जानने में भी ये मदद करेंगे कि जो अन्य शहर हैं उनकी तुलना में हमारा शहर कैसा है।
इसमें सुधार की संभावना और क्षेत्रों की ओर इशारा करके उन्हें प्रेरित भी करेंगे। इसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसलिए इससे दूसरे शहर को प्रेरणा मिलेगी और वो भी अच्छा अपना करना चाहेगा अपने रैंक सुधारने के लिए। अग्रणी लोगों के साथ सीखने और जुड़ने का अवसर प्रदान करना। डैशबोर्ड ULV द्वारा प्रस्तुत डेटा को 5 व्यापक स्तंभों के संकेत पर आधार उसके संकेतकों के आधार पर ये प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, वित्त योजना और जो योजनाएं वहाँ कार्यान्वित हो रही हैं वो, और नागरिक केंद्र शासन और बुनियादी सेवाओं का वितरण, ये 5 इसमें संकेत शामिल हैं। ULV डैशबोर्ड के पोर्टल पर लॉगिन करके ऑडिट किए गए खातों का स्व रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन मैट्रिक्स सहित अपना डाटा जमा करेंगे। ULV अपने द्वारा प्रारंभ में प्रदान की गई जो जानकारी है उसकी आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पोर्टल पर अपडेट करने के लिए स्वतंत्र होंगे। डैशबोर्ड की परिकल्पना ULV से संबंधित डेटा के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य की गई है, जिसे नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से मंत्रालय की आवश्यकता के आधार पर डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में ULV राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। इसका नोडल मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। शहरों के लिए AAINA डैशबोर्ड पोर्टल ये लॉन्च करता है, इसके लिए इसने किया है। हमारी अगली आर्टिकल है नई गेको प्रजाति अभी खोजी गई है उसके बारे में। तो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिजोरम के जो स्थानिक है ये छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो नई गेको प्रजाति के बारे में देख लेते हैं। ये नई प्रजाति का नाम मिजोरम के उस शहर के नाम पर है जो साइटोडेक्टाइलस बैरिंगटेंसिस रखा गया है, जहाँ ये पाई गई थी। ये स्थान है, यहाँ पर पाई गई थी। नई प्रजातियों के लिए सुझाया गया सामान्य नाम बैरिंगटे बेंट टूट गेको है। इस नई प्रजाति की विशिष्ट विशेषता उरु छिद्रों की संख्या है, जो इसे साइटोडेक्टाइलस परिवार के अन्य सदस्यों से अलग करती है। इस छिपकली में उरु छिद्र पिछले पैरों के नीचे स्थित होते हैं, जो लिपिड और प्रोटीन के मिश्रण का स्राव करते हैं, और माना जाता है कि इसका उपयोग साथियों को आकर्षित करने और क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ये मिजोरम के लिए स्थानिक है, जिसे राज्य के मूल निवासी गेको संख्या की जो गेको की संख्या अब 6 हो गई है, और पूरे पूर्वोत्तर भारत में इसकी गेको की संख्या 22 है। दुनिया भर में गेको की 335 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 42 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। गेको क्या है? तो ये गेको ये सरीसृप है और ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। इन रंग बिरंगी छिपकलियों ने वर्षा वनों से लेकर रेगिस्तानों से लेकर ठंडे पहाड़ी ढलानों तक अपने आवासों को बना लिया है। ये अधिकतर छोटे आमतौर पर रात्रिचर सरीसृप होते हैं। गेको 6 परिवारों में फैले हुए हैं। इसमें कार्पोडेक्टाइलिडे, डिप्लो डेक्टाइलिडे, यूबल फेरिडे, गेकोनिडे, फाइलो डेक्टाइलिडे और स्पैरो डेक्टाइलिडे। आप ध्यान देख लेना, ये याद तो नहीं होंगे, लेकिन ये अपने आंखों के नीचे से निकाल देना एक बार नज़र से, तभी ध्यान रहेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। हमारा अगला आर्टिकल है MQ4C ट्राइटन के बारे में, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में नॉर्थ्रोप गुम्मन निगम ने ऑस्ट्रेलिया में मल्टी इंटेलिजेंस MQ4C ट्राइटन बिना चालक दल वाले विमान की पहली सफल उड़ान की घोषणा की है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिकी नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना दोनों के लिए निर्मित MQ4C ट्राइटन एकमात्र बिना चालक दल वाला उच्च ऊंचाई वाला और लंबे समय तक चलने वाला विमान है, जिसे लगातार समुद्री खुफिया जानकारी निगरानी टोही और लक्ष्यीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अमेरिकी बहुराष्ट्रीय एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ्रोप गुम्मन ग्रुपमन निगम द्वारा विकसित किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या हैं?
तो इसे स्वायत्त संचालन को भूमि आधारित कमांड और नियंत्रण मिशन योजनाओं और सेंसर ऑपरेटरों द्वारा समर्थित किया जाता है। विमान में 8200 समुद्री मील का की परिचालन सीमा के साथ 10 मील से अधिक ऊंचाई पर एक समय में 24 घंटे से अधिक उड़ान भर सकती है। इसकी लंबाई 14.5 मीटर और ऊंचाई 4.7 मीटर है और पंखों का फैलाव इसका 39.9 मीटर है। ये अधिकतम 1452 किलोग्राम का आंतरिक पेलोड और 1089 किलोग्राम का बाहरी पेलोड धारण कर सकती है। इसका अधिकतम गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्राइटन एक अद्वितीय और मजबूत मिशन सेंसर सूट से लैस होगा जो सभी सेंसर पर 360 डिग्री कवरेज करता है। ट्राइटन के बढ़ते हुए आंतरिक पेलोड के लिए एक प्रतिबंब एयरफ्रेम और ओलो पक्षियों के हमले और गश्त लोड सुरक्षा के लिए विंग भी शामिल है। ये विशेषताएं विमान की जरूरत पड़ने पर समुद्र में जहाज़ों और अन्य लक्ष्यों को करीब से देखने के लिए एक कठोर समुद्री मौसम के वातावरण में उतरने और चढ़ने की अनुमति देती है। हमारा अगला आर्टिकल है इगला एस के बारे में, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में रूस ने भारत के को हाथ से पकड़ने वाली, देखो ये हाथ से पकड़ने वाली है, इग्लास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और लाइसेंस के तहत इग्ला के उत्पादन की भी अनुमति दी है। ये हाथ से पकड़ के दगाई जा सकती है, देखो जिसे व्यक्ति पकड़ा हुआ है। इग्ला एस के बारे में, तो ये रूस द्वारा विकसित एक मानव पोर्टल वायुरक्षा प्रणाली है। इसे पश्चिमी देशों में SA-24 ग्रिंच के नाम से जाना जाता है। इसने 2004 में रूसी सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था और इसे किसी व्यक्ति या चालक दल द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जा सकता है। इसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे जो विमान होते हैं उनको गिराने की क्षमता है और ये क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों की भी पहचान कर उन्हें निष्क्रिय कर सकती है। इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो इग्ला एस प्रणाली में लड़ाकू उपकरण शामिल हैं जिसमें 9M-342 मिसाइल और 9P-522 प्रक्षेपण तंत्र के साथ साथ रखरखाव उपकरण शामिल हैं जिसमें 9V-866 दो मोबाइल परीक्षण स्टेशन और 9F-719 दो परीक्षण सेट शामिल हैं। इसकी प्रभावी सीमा 6 किलोमीटर तक होती है, मतलब ये 6 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इग्ला एस कॉम्प्लेक्स के लिए प्रभावी लक्ष्य विनाश की सीमित ऊंचाई 3.5 किलोमीटर है। इसमें क्षति क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए एक भारी अधिक शक्तिशाली युद्धाभार है। साथ ही इसकी बढ़ी हुई हमले की सीमा के लिए संपर्क और समयबद्ध फ्यूज भी हैं। युद्धभार एक उच्च विस्फोटक विखंडन है। इसका वजन 2.5 किलोग्राम है। इसका मार्गदर्शन अवरक्त किरणों के माध्यम से होता है। हमारा अगला आर्टिकल है कांगड़ी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं कांगड़ी क्या होता है। तो जैसे जैसे सर्दी कश्मीर घाटी की बर्फीली को मजबूत हो रही है वहाँ, वैसे कांगड़ी के नाम से जाने जाने वाले पारंपरिक आग के बर्तनों की मांग में वृद्धि हो रही है। ये आग के बर्तन होते हैं। कांगड़ी के बारे में देख लेते हैं। तो इसे कांगेर या कांगिट के नाम से भी जाना जाता है। ये चमकदार अंगारों से भरा मिट्टी का बर्तन होता है और ये सुंदर हस्तशिल्प डाली नुमा टोकरियों में बंद होता है। ये एक पोर्टेबल और चलता फिरता हीटर होता है जिसे कश्मीरी अपने फिरन में रखते हैं। फिरन घुटनों तक लंबा ऊनी लबादा होता है जिसे लोग ठंडी सर्दियों के दौरान पहनते हैं। एक बर्तन में लगभग 250 ग्राम लकड़ी का कोयला रखा जा सकता है और इसकी आग फिरन के नीचे घंटों तक जलती रहती है। ये कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान लोगों को गर्म रखता है जब तापमान 0 से 20 डिग्री के नीचे चला जाता है। इसे कैसे बनाया जाता है? तो इसे बिलो बिकर नरकट से बने बाहरी आवरण के लिए जाना जाता है जो उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले की आर्द्रभूमि में बहुतायत में उगता है। ये नरकट ऊँचाई में 8 फीट तक पहुँच सकता है और शरद ऋतु के दौरान आग के बर्तनों की मांग बढ़ने से ठीक पहले ही काटे जाते हैं।
कटोरे के आकार के मिट्टी के बर्तन के चारों ओर बुने जाने के लिए तैयार होने से पहले इनकी छाल हटाने के लिए खुरचने और छीलने, भिगोने, उबालने और सुखाने की बहुस्तरीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मिट्टी के बर्तनों को रंगीन धागों, शीशे के कार्य और सेल्क्विन से सजाया जाता है। इसका व्यास 6 इंच यानी 150 मिलीमीटर होता है। हमारा अगला आर्टिकल है त्रिशक्ति प्रहार के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में बहु प्रतीक्षित संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार राजस्थान की पश्चिमी सीमा के पास जैसलमेर में शुरू हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं। ये भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का एक संयुक्त अभ्यास है। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य परस्पर समन्वय, परिचालन दक्षता को बढ़ाना है और इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध के संदर्भ में नई रणनीतियाँ बनाना, परिचालन क्षमताओं का आकलन करना है। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के सभी 3 अंग पूर्ण समन्वय के साथ वास्तविक युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करते हैं और सक्रिय रूप से लाइव अभ्यास सत्र में संलग्न होते हैं। इस अभ्यास में टोही विमानों द्वारा लंबी दूरी के हमले शामिल होते हैं, जो काल्पनिक विरोधियों के प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए सटीक और उच्च मात्रा में हमलों पर जोर देते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सैन्य संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के हॉवित्ज़र हेलीकॉप्टर और हथियार शामिल हैं। इसमें सेना के T-90 और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती शामिल है। इस अभ्यास का प्रमुख आकर्षण भारतीय वायुसेना की पुणे स्थित दक्षिण पश्चिम कमान की परिचालन क्षमता और तत्परता का प्रदर्शन है। यह खंड एकीकृत वायु भूमि पर संचालन, संयुक्त हथियार संचालन और इसकी तेज गतिशीलता, गहरी मारक आक्रामक क्षमताओं के लिए वायुसेना की तैयारियों को प्रदर्शित करता है। अभ्यास की बहुमुखी प्रकृति से लड़ाकू विमान अपाचे लड़ाकू और लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और विभिन्न नौसेना विमान योगदान करते हैं। ये अनुरूपित परिचालन वातावरण में आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों जैसे कि मानव रहित हवाई वाहनों, सटीक निर्देशित मिसाइलों, लोइटर युद्ध सामग्री, काउंटर ड्रोन सिस्टम, संचार प्रणाली और स्वचालित स्पेक्ट्रम निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला आर्टिकल है ताडोबा अंधेरी बाघ अभयारण्य के बारे में, तो ये पूरा महाराष्ट्र का मैप है और यहाँ पर मुंबई है और ये पश्चिम में है, इसके महाराष्ट्र के पूर्व में है ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ये चंद्रपुर जिले में आता है, तो आप आइए देख लेते हैं, मैप में देख लिया इसको, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ताडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य के प्रमुख बाघ बजरंग के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन काल में कम से कम 50 शावकों को जन्म दिया है था। अभी हाल ही में उसकी एक अन्य शक्तिशाली बाघ छोटा मटका के साथ क्षेत्रीय लड़ाई में मृत्यु हो गई है, तभी इसके चर्चा में है ये। तो इसके बारे में देख लेते हैं ताडोबा अंधेरी टाइगर बाघ अभयारण्य के बारे में। तो ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और पुराना बाघ अभयारण्य है। ताडोबा नाम की उत्पत्ति भगवान ताडोबा या तरु के नाम से हुई है, जिनकी पूजा ताडोबा और अंधारी क्षेत्रों के घने जंगलों में रहने वाले जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा की जाती थी। अंधारी का तात्पर्य अंधारी नदी से है जो इस जंगल से होकर बहती है। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 625.4 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 116.55 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और 508.85 वर्ग किलोमीटर में फैला अंधारी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। एक कॉरिडोर तो यहाँ पर अभयारण्य का राज्य के भीतर एक नागजीरा नवे गांव और पेंच बाघ अभयारण्य के साथ कॉरिडोर लिंकेज भी है। इस अभयारण्य में भौगोलिक दृष्टि से दक्कन प्रायद्वीपीय मध्य पठारी क्षेत्र में स्थित है और इस निवास में उत्तर में लहरदार स्थलाकृति हैं और ये जैव विविधता से समृद्ध है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं दक्षिणी, और अभयारण्य में 2 झीलें हैं और 1 जलमार्ग है, ताडोबा झील, कोलसा झील और 1 है ताडोबा नदी। वनस्पतियों में यहाँ पर सागौन के पेड़ों की छाल
और मगरमच्छ, सॉरी ये सलाई तेंदू, करिया गोंद, महुआ मधुका जैसी अन्य वनस्पतियों से ढके जंगलों से ये समृद्ध है। ये अभयारण्य में घास के झुंडों और बांस की झाड़ियों से भी सुशोभित है, मतलब यह पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ भालू, जंगली कुत्ता, गौर, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। यहाँ पर 54 सरीसृपों की प्रजातियाँ, 11 उभयचर की प्रजातियाँ और 84 मछलियों की प्रजातियों के साथ 280 पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Yeah.